जीसस केम इन एक्सप्लोरिंग द वर्ल्ड। गैलीलियो के 1609 में खगोलीय अवलोकन के लिए विकसित दूरबीनों का श्रेय दिया जाता है, जबकि उनके उपकरणों में सबसे बड़ा केवल 120 सेमी करीबन 47 इंच लंबा था और इसमें 5 सेमी यानी 2 इंच का एक उद्देश्य व्यास था। ये एक ऐसे सुसज्जित था जो प्रदान करता था एक ईमानदार छवि यानी कि एक सीधी छवि। गैलीलियो ने अपने मामूली यंत्र का उपयोग चंद्रमा की जमीन और शुक्र के चक्र देखने के लिए किया, सबसे बड़ा उपग्रहों के लिए किया जो पहले कभी व्यवस्थित रूप से नहीं देखे गए थे। रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप 1668 में न्यूटन द्वारा विकसित किया गया था, हालांकि जॉन ग्रेगरी ने 1663 में एक वैकल्पिक रिफ्लेक्टर डिजाइन की स्वतंत्र रूप से कल्पना की थी। कैसे ग्रीन ने 1672 में रिफ्लेक्टर की एक और विविधता पेश की। सदी के अंत तक अन्य ने 61 के रूप में लंबे समय तक अपरिवर्तक निर्माण का प्रयास किया। मीटर लेकिन ये उपकरण प्रभावी होने के बहुत अजीब था। 18वीं शताब्दी में दूरबीन का विकास में सबसे महत्वपूर्ण योगदान सर विलियम हर्शल का था। हर्शल, जिनकी दूरबीन में रुचि एक मामूली 5 सेमी ग्योर्गियन द्वारा रखी थी, ने इंग्लैंड के राजनीतिक को 12 मीटर 39 फुट फोकल लंबाई और एक 129 सेमी दर्पण के साथ एक रिफ्लेक्टर के निर्माण के लिए राजी किया। हर्शल को इस उपकरण के इस्तेमाल करने का श्रेय दिया जाता है जो की एक्सक्लूसिवली नेबुलस यानी आकाशगंगा के बाहर आकाशगंगाओं की अवधारणाओं के लिए अवलोकन ग्राउंड वर्क का उपयोग करता है। टेलीस्कोप यानी दूरबीन एक ऐसी चीज है जो दूर की चीजों को पास दिखाता है। दरअसल दूरबीन का आविष्कार संयोग वश हुआ था। दूरबीन का आविष्कार 17वीं सदी की शुरुआत में हॉलैंड के मैडलबर्ग शहरों में रहने वाले एक चश्मा व्यापारी के बेटे द्वारा खेल खेल में किया गया था। इस व्यापारी का हैंस लिपरिश नाम था। 500 मीटर अपर्चर गोल आकार टेलीस्कोप दुनिया का सबसे बड़ा टेलीस्कोप कहलाता है, जो एल्सेबो वेधशाला को पार करते हुए जो कि दुनिया में सबसे बड़ी थी जा सकता है। दूरबीनों ने हमें गुरुत्वाकर्षण और भौतिक दुनिया का अन्य मौलिक कानूनों को समझाने में भी मदद किया है। कुछ नए टेलीस्कोप हमें ब्रह्मांड में उन वस्तुओं का अध्ययन करने की अनुमति देते हैं जो गर्मी या रेडियो तरंगे या एक्सरे किरणों का पता लगाते हैं। टेलीस्कोप अब अन्य सितारों के आसपास के ग्रहों की खोज कर रहे हैं। इसके कई फायदे भी हैं, जैसे एपर्चर के प्रति इंच की बेहतर पराक्रमी शक्ति एवं स्थिति में बेहतर प्रदर्शन, छवि स्थानांतरण, प्रकाश पथ का प्रतिबिंब या व्यवधान, स्थायी ऑप्टिकल संरेखन के पास न्यूनतम रखरखाव, लंबे फोकस अनुपात का मतलब लंबे समय तक फोकस, सरल एपिक का उपयोग हो सकता है। दुनिया की खोज में समृद्धि आई, जैसे कि हम सभी जानते हैं कि नई चीजें बनाना वास्तव में महत्वपूर्ण है और उसके लिए ज्ञान का आवश्यकता होती है और दुनिया का पता लगाने के लिए ज्ञान प्राप्त करना बहुत आवश्यक है। जैसे कि हम अधिक से अधिक चीजों का पता लगाएंगे, हम दुनिया के बारे में भी अधिक से अधिक जान पाएंगे जो कि आवश्यक है। लोगों की आवश्यकताएं क्या है, लोगों के बोझ को कैसे कम करने के लिए कौन सा उत्पाद बनाया जा सकता है। जैसे कि हम सभी जानते हैं, यदि हम अन्वेषण नहीं करेंगे तो हम किसी भी चीजों के बारे में जानकारी हासिल नहीं कर पाएंगे। आप नई जगहों और संस्कृतियों का पता लगाने में सक्षम होंगे और दुनिया भर के लोगों को विभिन्न तरह की खोज करेंगे, अपने बारे में उतना ही जान पाएंगे जितना आप दुनिया के बारे में जान पाएंगे। आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा और आप महसूस करेंगे कि दुनिया में आने के लिए कितने सक्षम हैं आप। अन्य वेक्षण ने वैज्ञानिक अनुसंधान में भी मदद की है। दूरबीनों ने ब्रह्मांड के लिए हमारी आंखें खोल दी है। शुरुआती दूरबीनों ने पता चला कि पृथ्वी ब्रह्मांड के केंद्र नहीं थी, जैसे कि पहले माना जाता है कि उन्होंने चांद पर पहाड़ और उसकी जमीन भी दिखाई। दूरबीनों ने हमारा सूर्य और अन्य तारों से निकलने वाले प्रकाश को समझाने में अंतरिक्ष अन्वेषण इस प्रकार विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में प्रगति के बढ़ावा देने का साथ साथ नवाचार और आर्थिक समृद्धि के समाधान करता है, साथ ही वैश्विक वैज्ञानिक और तकनीकी के प्रेरित करता है। हमारी इस तकनीकी का असर आज हम हमारे आज में देख सकते हैं, जिसमें साफ साफ हमारे कल पूरी तरह विकसित होते दिख रहा है। सबसे बड़ी बात ये है कि सिर्फ यही तक सीमित नहीं है और ना ही रहेगा, क्योंकि हर घड़ी हर पल में इसके नए नए पैमानों में अलग अलग वैज्ञानिकों द्वारा बदलाव सामने दिखाई दे रहे हैं
और हमें उनसे रूबरू भी कराया जा रहा है।